मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विदिशा जिले की कुरवाई समंदर बन चुकी है, इसलिए मैं आज कुरवाई बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचा हूं। बेतवा नदी में जलस्तर बढ़ने से तहसील अंतर्गत सैकड़ों ग्राम एवं नगर के वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 10, वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 3 करीब है 500 से 700 मकान बाढ़ प्रभावित हुए थे एवं करीबन 200 यात्री पिछले 48 घंटों से फंसे हुए हैं, जिनकी व्यवस्था में क्षेत्रीय विधायक हरिसिंह सप्रे और भाजपा के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। अल्फा गार्डन में बाढ़ पीड़ितों की रुकने एवं भोजन आदि की व्यवस्था की गई है एवं मंगलवार को ग्राम मोदन खेड़ी से रेस्क्यू कर सेना के हेलीकॉप्टर एवं स्थानीय गोताखोर राहुल पटवा सहित गोताखोर टीम एवं होमगार्ड दल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा नाव के माध्यम से बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को निकाला गया था। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। कल समुद्र बन गई थी कुरवाई और आसपास के पूरे क्षेत्र में, विदिशा जिला हो या बीना सागर जिले का हमारा हिस्सा हो, वहाँ के भी 56 से ज़्यादा गांव, विदिशा जिले के भी गांव। कल मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से आया था और कुरवाई की हालत देख के दिल ये कर रहा था कि तू उतर यहाँ, लेकिन कल कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं उतर पाता। आज मौका मिलते ही मैं कुरवाई आ गया, और केवल कुरवाई के लिए नहीं, आसपास के सभी गाँव के भाई बहनों के लिए आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।